हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई ट्रिक लेकर। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता, नदियाँ तथा उनके किनारे बसे शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जान लीजिए। आपको परीक्षा में अक्सर पूछता रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनने की संभावना होती है। और बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ये प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से नदी हैं, उनके सहारे कौन सा शहर बसा है। जैसे लोथल शहर किस नदी के किनारे बसा है, ये चीज़ अक्सर पूछता रहता है। इसी के अलावा बाद रोपड़ जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, सिंधु शहर किस नदी के किनारे हैं, सॉरी मोहनजोदड़ो शहर किस नदी के किनारे है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है। चलिए हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक लंबी है, क्योंकि लंबी बहुत ज़्यादा शहर भी हैं और यहाँ से चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और प्रश्न में बनने वाली चीज़ें हैं। तो ट्रिक देख लेते हैं हमें। लोभी, चमक सदा। देखिए ट्रिक क्या हो गई हमारी, लोभी चमक सदा, उसके बाद हरा कंघा, हरा कंघा, देखिए लोभी चमक सदा, हरा कंघा, रमा रोस, रमा रोस, बर आहा। ये है, थोड़ा लंबी ट्रिक है, लेकिन इससे कम से कम आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और परीक्षा में आते हैं। लोभी चमक सदा, हरा कंघा, रमा रोस, बर आहा, दो तीन बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अब हम चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा शहर है। तो देखिए, पहला जो शब्द होगा उससे शहर होंगे, दूसरा शब्द होगा नदी होगी, तो ये चीज़ आपको याद है। तो लो से क्या हो जाएगा, लोथल शहर, चलिए हम लिखने का स्टाइल बदलते हैं, ऐसे नहीं मज़ा आएगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम यहाँ पे लोभी लिख लिए, लोभी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोथल जो शहर होगा वो होगा, और कौन सी नदी होगी ये आपको जानना ज़रूरी है। तो लोथल नदी, लोथल शहर जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे, परीक्षा में पूछता है, आप याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न कभी भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चमक सा, यहाँ पे सा आप लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे दो तरीके से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक तो आपका सिंधु सा से यहाँ पे सिंधु नदी हो जाएगी, सिंधु नदी में कौन कौन सा जो शहर है वो हो जाएगा। तो देखिए चमक सा, लोभी चमक सा सदा, तो यहाँ पे चमक सा हम देख लेते, चमक सा, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, चमक सा में कौन सा शहर हो जाएगा, चाहुंदड़ो, चाहुंदड़ो के बाद आपका हो जाएगा मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो, क्या हो गया आपका, चा से आपका चाहुंदड़ो हो जाएगा, मा से आपका क्या हो जाएगा, मोहन जोदड़ो हो जाएगा, का से क्या हो जाएगा, कोटद जी, कोटद जी, ये तो तीन शहर जो है सिंधु नदी के किनारे हैं। अपसा से क्या हो जाएगा, ये पूरे का क्या हो जाएगा, सिंधु नदी, सिंधु नदी, तो ये तीनों शहर जो हैं सिंधु नदी के किनारे बसे हैं, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सदा से, सदा से क्या हो जाएगा, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर शहर है, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर जो है किस नदी के किनारे है, ये दास्क नदी के किनारे है, परीक्षा में प्रश्न पूछ ले तो आपको गलत नहीं करना है। अभी ये हमारे कितने हो गए हैं, तो लोभी हो गया, चमक हो गया, सदा हो गया, अब क्या हो जाएगा, हरा से क्या हो जाएगा, हरा से क्या हो जाएगा, हड़प्पा, हरा, हार से क्या हो जाएगा, हड़प्पा,
हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है कभी भी। तो हमारा लोभी हो गया, चमक चमक सा हो गया, सदा हो गया, हरा हो गया। अब हम बात करते हैं कंघा की, कंघा से हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो का से हो जाएगा कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी के किनारे है, घग्घर नदी के किनारे है, ये चीज़ याद को घाघरा या घग्घर नदी जो भी आप कह सकते हैं। रमा से देखिए कंघा से क्या हो जाएगा, जो कालीबंगा है वो घग्घर नदी के किनारे है, रमा से क्या हो जाएगा, ये रा से आपको हो जाएगा रंगपुर, रंगपुर जो है किस नदी के किनारे है, मंदिर एक नदी थी उस नदी के किनारे आपका रंगपुर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है। अब रोज से क्या हो जाएगा, रोपड़ जो है, रो से रोपड़, और सा से क्या हो जाएगा सतलज नदी। तो क्या हो जाएगा हमारा, रो से रोपड़ और सतलज नदी, ये हमारा हो गया। अब बड़ से क्या हो जाएगा, बा से हो जाएगा बनावली, बनावली किस नदी के किनारे, रंगोई एक नदी थी जिस नदी के किनारे आपका बनावली शहर बसा है। अब हमारा कौन सा बचा है, आहा, तो आहा से क्या हो जाएगा आलमगीर, आलमगीर किस नदी के किनारे बसा है, हिंडन नदी के किनारे बसा है। तो ये हमारे हो गए, देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था, बहुत इम्पोर्टेंट था, और आप इसको रटते रटते परेशान हो जाते हैं लेकिन आपको याद नहीं होता है, लेकिन इस ट्रिक से आप हमेशा के लिए ये याद कर लेंगे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। परीक्षा में बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसको करने के लिए आपको ये ट्रिक ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये रही वीडियो आपके लिए, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।